को लोग सामने कराएं। बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गाड़ी के सामने खड़े हैं, सब लोग पीछे की तरफ चले गए। हम जैसे महामंत्री हुए अगर सभा सब हुआ तो हिंसा न करो। अगर आप पर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप पीछे चले जाए। घर निकल मुश्किल पिछले 2 वर्ष से हमारी चारधाम यात्रा कोविड के कारण हो नहीं पा रही है, जिससे चारधाम से जुड़े जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारा पंडा समाज है, सभी लोगों के घरों की स्थिति यह है कि चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, इस ओर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे शहरों में तो होटल चल रहे हैं, लेकिन वो यात्री चारधाम यात्रा चालू ना होने के कारण ऊपर पहाड़ों में नहीं आ पा रहा है, जिससे पहाड़ों में रोजगार ठप पड़ा हुआ है। साथ ही आज ऊखीमठ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में हमारे पंडा समाज ने बहुत विशाल एक रैली निकाली थी, तो उस रैली में मुझे भी आज उनके रोष का सामना करना पड़ा। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के हेतु आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि काफ़ी हमारा पंडा समाज इस बोर्ड से जुड़ा हुआ है। पहले की तरह हमें इसको करना होगा, उनके हक हकूक़ों को रक्षा करना ये हम सभी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बाबा केदार।